ये जलकुंड यहाँ पर, जो ऊपर पहाड़ी से जल आता है उसको संरक्षित करने के लिए, और इस तरफ भी रेलिंग नहीं थी पहले। सोमेश्वर मंदिर, भगवान महादेव, सोम का संबंध या तात्पर्य चंद्रमा से है, इसका अर्थ है शीतल। चलिए अंदर चलते हैं। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा नक्काशी का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, लेकिन छत पर जो कीस्टोन के रूप में पत्थर यूज किया गया है उस पर कमल पुष्प की आकृति बहुत ही सुंदर, और सामने गर्भगृह, उसके सामने नंदी जी विराजमान हैं, और यह शायद प्राचीन है नंदी देव, और उधर जो है बड़ा जो नंदी देव की प्रतिमा है वो बाद में विराजित की गई है, स्थापित की गई है यहाँ पर, ऐसा प्रतीत होता है। महादेव जी की प्रतिमा, महादेव जी का जो प्रतीक चिन्ह शिवलिंग वो यहाँ पर विराजमान है, और यहाँ पर ये अन्य पत्थर है उसके ऊपर मार्बल स्टोन, यहाँ पर ये आकृति आप एक बार देखिए, ये सिंह की आकृति, यहाँ पर सिंह अथवा बंदर की आकृति, कुछ कुछ सिंह की लग रही है, और नीचे इसने हाथों में शायद मछली को पकड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर देव, ये एक हाथ में माला और शायद एक हाथ में कमंडल इनके, द्वार के मध्य में गणपति जी विराजमान हैं, और ऊपर शायद भगवान राम और सीता माता, और इस तरफ गजह हाथी, हाथी के ऊपर देव और देवी हैं वो विराजमान हैं। परिक्रमा मार्ग यहाँ पर, और बाहर चूने का प्लास्टर और उस पर चित्रकारी, उसके कुछ अवशेष अभी बचे हुए हैं। और ये है नागर शैली, नागर शैली में ये मंदिर बना है। और इसमें मंदिरों में पत्थर और चूने का प्रयोग किया गया है इसके निर्माण में। और ये मंदिर के में जो जल अभिषेक होता है
उसकी निकासी के लिए ये व्यवस्था कितने सुंदर ढंग से अच्छे प्रकाश से व्यवस्था की गई है। ये ऊपर लेंटल का जो स्लेब है वो क्रैक है, उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये बीच में दीवार खड़ी की गई है। ऊपर छत में 3 पुष्प स्लेब डाला गया है। जल निकासी के लिए और ये सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की प्रतिमा इस तरफ, एक हाथ में शंख, एक में क्या है ये चक्र के समान कोई आकृति। ये किस कौन से देव हैं इस बारे में जानकारी नहीं है। और इस तरफ गणपति जी महाराज और इस तरफ महादेव, तो हो सकता है कि इस तरफ भगवान विष्णु हो घोड़े पर सवार। अवश्य ये विष्णु भगवान ही है। ये चक्र, गदा, यहाँ पर शंख है और इस हाथ में क्या है वो स्पष्ट नहीं है। इस मंदिर का नाम क्या है वह भी नहीं पता। चलिए जो गोपीनाथ मंदिर है उसके समान। और जो ये साइड में पत्थर है ये इसमें लॉक से फिट की गई है। ये देखिए इसमें जॉइंट पत्थरों में किस तरह से इनको दीवार में जो ऊपर गुंबद है छत उसके साथ फिक्स किया। जो मध्य का चक्कर है वो 2 भाग में बनाया गया है लेकिन एक भाग 2 हिस्सों में टूट गया है तो अभी 3 भाग उसके दिखाई दे रहे हैं। सामने गर्भगृह की दीवार पर, प्रवेश द्वार पर नीचे वही शंख की प्रतिमा और पुष्प। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है राजा और
स्पष्ट नहीं हो पा रहा क्या है। इस तरह भाई सिंह और उसके हाथों में मछली, यहाँ पर एक सर पर घड़ा रखे हुए और उसके साथ में प्रतिमा अन्न, ऊपर की तरफ माला हाथ में लिए हुए प्रतिमाएं, मध्य में भगवान गणेश, ऊपर भी है कुछ प्रतिमाएं जो कि कुछ खंडित हुई है, और अंदर है यहाँ पर देवी का चित्रण किया गया है दीवार पर, और प्रतिमा कोई भी नहीं है। इस तरफ इस दीवार पर महादेव का चित्रण किया गया है चित्रकारी के द्वारा, और ऊपर देखिए बैट्स के छत्ते, और इस तरफ गणेश जी महाराज का चित्र चित्रकारी के द्वारा, और यह शायद महाकाली का चित्रण किया गया है। अवश्य यह महाकाली ही है, हाथ में नरमुंड और एक हाथ में अग्नि भी धारण किए हुए, और अन्न शस्त्र, और जो जल निकासी का जो भार पर दिखाई दे रहा था वो यहाँ से जो भी हम अभिषेक करते हैं उसके जल निकासी की व्यवस्था, और कितनी अच्छी व्यवस्था जो शैली होती थी निर्माण शैली उसके द्वारा। एक मंदिर उस तरफ है, वह भी एक इसी के समान जो नागर शैली है वह प्रतीत होती हुई देखने में। चारों तरफ अवशेष ही अवशेष, और मैं सामने बाहरी दीवार किले की दुर्ग की प्राचीर प्रतीत होती हुई। सामने दूर पहाड़ी, विशाल पहाड़ी है। चलिए शॉर्टकट देखते हैं, अगर यहाँ से मार गए तो। और यहाँ से दुर्ग का दृश्य, ये देखिए बकरियाँ किस प्रकार कांटेदार झाड़ियों के
के मध्य से भी पत्तों को निकाल लेती है, खा जाती है। तो यही कारण है कि जो बकरी है वो पहाड़ी एरिया में भी सर्वाइव कर लेती है, क्योंकि एक तो ये खड़ी चढ़ाई पर आसानी से चढ़ जाती है और जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है उनमें से भी अपना आहार निकाल लेती है। और यहाँ मंदिर के बाहर इस तरफ देखिए, हाँ गणेश जी विराजमान है। इस तरफ यह शिवलिंग का चित्रण, और इस तरफ कोई देव हैं क्लियर नहीं है क्योंकि कुछ खंडित सा हो रखा है। और इस तरफ भी ये क्या है समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई जो मनुष्य की तरह कोई जीव है उसके सिर पर इस तरह का कुछ चक्र रूप में कुछ है, तो स्पष्ट नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं यहाँ से। इसमें ज़्यादा नक्काशी नहीं है, केवल मध्य में एक जो कमल पुष्प किया करती है उस पर कुछ उस पत्थर पर थोड़ी नक्काशी है। और अंदर जो गर्भगृह का द्वार है उसके ऊपर मध्य में गणेश जी की प्रतिमा, और इस तरफ एक प्रतिमा है और एक इस तरफ। यहाँ पर कुछ नहीं है, शायद खंडित हो चुकी हो। और यहाँ पर नीचे वही सिंह नमस्कार मुद्रा में और हाथ में एक मछली किया करती। ये पत्थर शिवलिंग के समान कुछ प्रतीत होता है, लेकिन अंदर देखिए कोई प्रतिमा नहीं, कुछ नहीं, कोई केयरिंग नहीं। ये देखिए ये बैट्स के बच्चे अभी उस जो ये इसके छत्ते हैं उससे नीचे गिरा। परिक्रमा मार्ग देखते हैं बाहर से। नागर शैली में निर्माण किया गया है और देख सकते हैं छोटे छोटे जो पत्थर हैं और चूने के साथ में इसका प्रयोग किया गया है, पत्थर और चूना। उसके ऊपर चूने का प्लास्टर और आगे का जो गर्भगृह है उससे आगे ये यहाँ पर पत्थर होगा प्रयोग है। बीच मध्य स्तंभ के मध्य लॉक सिस्टम स्टेबल करने के लिए। पीछे से देखिए, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि नागर शैली ही है जिस शैली में इस भवन का, इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और चूने के प्लास्टर के ऊपर
कुछ चित्रकारी भी की गई है जिसके कहीं कहीं अवशेष दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ से आप देखिए, यह पूर्णतः सिंगल पत्थरों से या पत्थरों के ब्लॉक से नहीं बनाया गया है। जो पत्थर हैं छोटे छोटे, उनको चूने के साथ में स्टेबल किया गया है, जोड़ा गया आपस में। और ये जल की निकासी के लिए, जो अंदर अभिषेक के लिए जल यूज होता है उसकी निकासी के लिए। और इस तरफ एक प्रतिमा है, क्या जी, हरियाणा? यहाँ पर एक कूप, और जो वहाँ पर मध्य में जो कूप की आकृति प्रतीत हुई थी वह भी कूप ही थे, लेकिन हमने अपना अपने धरोहरों को योगदान दिया। और यहाँ पर भी योगदान दिया गया होगा। हाँ, ये देखिए, हम अपनी विरासत को योगदान देना कभी नहीं भूलते। हाँ, योगदान देने का तरीका थोड़ा अलग है। ये देखिए, देखने पर तो वैदिक शैली का भवन प्रतीत होता है, एक द्वार प्रारंभ में, उसके बाद ब्रह्मस्थान और तीन तीन द्वार, ऊपर भी तीन द्वार और अंदर कक्ष, बैट्स की आवाज़ और दुर्गंध दोनों। तो अंदर कक्ष में नहीं चलेंगे, छत पर चलने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, लदाओ की छत, चलिए सामने वाले भवन में भी एक बार चलते हैं। इधर भी एक कक्ष है छोटा सा। अंदर बैठ की काफी दुर्गंध और आवाज। छोटा सा एक अंडर स्टेयर कक्ष सीढ़ियों के नीचे, इस तरह भी कक्ष है छोटे छोटे दो। Thank you.
ये है वैदिक आर्च और बाहर की दीवार का जो पिलर है, पिलर किसे बनाएंगे पत्थर से, उसमें आर्च है और अंदर की दीवार में लिंटेल की स्लेब डाला गया है और यहाँ पर एक वैदिक आर्च इस तरफ। यहाँ पर दो द्वार हैं जो कि वैदिक जो दो द्वार जो कि वैदिक निर्माण शैली के हिसाब से ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस दुर्ग के निर्माण में कोई ना कोई खामी रही है जो इसके अति शीघ्र खंडर में बदलने का कारण रही है। यहाँ से सीढ़ियाँ रही होगी, इस तरफ भी दो द्वार, अंदर लदाव की छत जो कि रिपेयरमेंट का काम कार्य किया गया है, सीमेंट का इस्तेमाल, छोटा सा कक्ष और ऊपर बैठ के छत्ते, चलिए सीढ़ियों पर चलते हैं। लगभग 11 से 12 इंच की सीढ़ियाँ, लताओं की छत और उस पर चूने का प्लास्टर और चित्रकारी जिसके कुछ अवशेष, ये देखिए, और जो प्लास्टर है वो चूने का है। और सामने दूर भानगढ़ दुर्ग, दुर्ग की प्राचीर सामने दूर, वैदिक आर्च कमल पुष्प की पंखड़ियों के सम की तरह, इधर देख लो एक बार, ये ना तो पूरे ही गले में लगा। ये भी जो है लताओं की छत, लेकिन रिपेयर की आवाज़ सीमेंट से और आर्च एक तो तीन आले इस तरफ और उनके ऊपर आर्च, इधर एक और इस तरफ तीन, और जो द्वार है उस पर लिंटेल का स्लेब डाला गया है, लिंटेल का द्वार और ऊपर रिलीवर आर्च। दो भवन आमने सामने बने हुए हैं, एक भवन ये बीच में मार्ग और एक भवन इधर, लेकिन दोनों के निर्माण शैली में भिन्नता। सामने वाले भवन में तीन तीन द्वार और इस भवन में दो द्वार, लेकिन मध्य में एक आला बनाया हुआ है, एक आला उसके साथ में, यानी दो द्वार और दो आले।
यहाँ जीने पर रिलीवर आज से डाली गई है लिंटल पे। वीडियो में तो आप YouTube पे देख लो सारे मिलेंगे। इससे भी अच्छी ना, इधर आ जा, इससे भी अच्छी बनाते हैं। आइए बेटा इधर आ। अब आपका आप कुछ भी कर लो, आपको सितंबर में दूसरा टूर लगेगा आपका। हाँ नहीं है वो तो। अरे भाई साहब आ जाओ, आ जाओ लट्टू भाई। आप तो आ जाओ, आता दादा जो बाबा कर रहे हो। बाजे भी कह रहे हो, जो है उसी की बाजे कह रहे। मुझे जाने देंगे बुला रहे। हां हो रहे हुए सर दीवाने, तो दीवाने का सर जाओ। आप जाओ, आपको बुला रही है। आपका नोटा मेरा नोटा तो नहीं है। और एक बात और नोट करने की है, जो कूप है वो कहीं कहीं बनाए गए हैं। जो ये कूप है ये किसी भवन के अंदर नहीं है, बल्कि भवन जो है उनके बीच में ऐसा है, कुछ भवनों का समूह है उनके बीच में एक कूप बनाया गया है जल की व्यवस्था के लिए। यहाँ पर सीढ़ियाँ, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं, 12 से 13। ये देखिए 1 फीट से ज़्यादा। यहाँ पर चूना स्टोर किया गया होगा, चूना पड़ा हुआ है काफ़ी। यहाँ पर भी इधर से नहीं है क्या रास्ता? यह किसी मंदिर का अवशेष है। इसकी जो निर्माण शैली रही थी वह नागर शैली थी, और यह इसका जो गर्भगृह है उसका गुंबद का शिखर शायद जहाँ पर हमने अभी जो वो कूप देखा था, एक कुआं, उसके आसपास यह रहा होगा। क्योंकि प्राय मंदिर के आसपास उसकी स्वच्छता के लिए कुएं का निर्माण किया जाता था, ताकि जल की आपूर्ति हो सके। और भानगढ़ दुर्ग यात्रा समापन की ओर।